कानपुर क्षेत्र में हाईवे पर तेज गति से दौड़ रही पिकअप गाड़ी नीचे खाई में पलट गई। हादसे में करीब 10 कांवड़िए घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए निजी अस्पताल ले जाया गया। आपको बता दें कि सोनीपत हरियाणा के डाक कांवड़िए पिकअप में सवार होकर हरिद्वार से जल लेकर अपने गंतव्य की ओर लौट रहे थे। जैसे ही वो बाईपास के वसंत हवेली के होटल सोनाली नदी पुल के पास पहुंचे, तो अचानक से गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क के नीचे गहरी खाई में पलट गई। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। राहगीर घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े और घायलों को गाड़ी से बाहर निकाला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने हादसे में घायल कांवड़ियों को एम्बुलेंस की मदद से एक निजी अस्पताल व सरकारी अस्पताल रुड़की भिजवाया। वहीं पुलिस ने मौके पर क्रेन बुलाकर वाहन को साइड करवाया और यातायात को सुचारू रूप से चलवाया गया।